तो ये है बांगड़ा मच्छी। हम लोग आज बेट फिशिंग करने वाले हैं। देखिए ये बांगड़ा है, इसको इस तरह से लगाते हैं, ऐसा पकड़े एक साइड में ऐसा डालेंगे, ये देखिए ऐसे, हाँ, और एक साइड से ऐसा घुमा लेंगे और हल्का सा ज़्यादा नहीं, एकदम ज़रा सा, देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये पहले बिठा लेंगे, ये देखिए हाथ लगा के देखिए, हल्का सा चुभना चाहिए हाथों को, ज़रा सा लगना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं एकदम से, जैसे ही बाइट करेगा मतलब तो फट से उसके हुकअप होने की चांसेस हो जाएगा, ऑटोमेटिक खुद ही हुकअप हो जाएगा वो, आपको ज़्यादा झटका देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले कास्ट करेंगे, कैसे कास्ट करना है, ये बेसिक जो लोग नए हैं बिल्कुल सीखने वाले उनके लिए है, जो लोग सीखे हुए उनके लिए नहीं है। तो ये तौसाल में हूँ आज मैं, और ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट बहुत दूर तक कास्ट करेंगे, जितना हो सकता है उतना दूर तक कास्ट करेंगे इसे। ये देखिए बेल आम को पहले ऐसा, ये लाइन देखिए आप, पूरा उंगली ऐसा ऐसा उंगली नहीं डालना है इसके अंदर, ठीक है, हल्का सा उंगली से ऐसा टच करना लाइन को। अब बेल आम खोलेंगे और इसी एंगल में हम लोग पीछे करेंगे रॉड को, देखिए ऐसा, ये इस तरीके से, और सीधा लॉन्ग कास्ट करेंगे जितना होता उतना, ये लॉन्ग कास्ट कर दिया हमने। अब पानी में ये जब सेटल हो जाएगा जाके एक जगह पे, और इसको रखने से पहले लाइन को पूरी टाइट करेंगे और चेक करेंगे ड्रैग भी, ताकि ड्रैग ज़्यादा टाइट ना रहे, और लाइन भी हमारी टाइट होनी चाहिए और ड्रैग भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइन को लपेट ले, जो एक्सेस लाइन है उसको लपेट ले और ऐसा एकदम सिस्टमेटिक रखें। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे बाइट का इंतज़ार करेंगे, बाइट कब तक होता है। तो एनीवेज ये बाइट हो चुका है, और ये मेरे रॉड पे नहीं, मेरे दोस्त के रॉड पे बाइट हुआ है भी है, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्नैपर ही है। और देखिए क्या क्या जान है इसके अंदर, डग 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 रॉड पे, पूरा रॉड पे फील हो रहा है मुझे। अभी आपको मैं बता नहीं सकता हूँ क्या मज़ा आ रहा है मुझे इस मच्छी को लाने में, बहुत छोटी सी रील है, और देखिए 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 कितना पंप कर रहा है, मज़ा आ गया। एनीवेज तो देखते हैं क्या है, और मैं आपको बता दूं कि बेट फिशिंग का एक अलग ही मज़ा है, उसके लिए सबर की बहुत ज़रूरत होती है। लूअर कास्टिंग में कैसा होता है कि हम लोग कास्ट किए हमने और ज़्यादा वेट नहीं, मतलब ऐसा रहता है कि आपको पता है कि अब मार ही देगा, अब मार ही देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें रुकना पड़ता है, लो टाइट का पूरा इंतज़ार करना पड़ता है लो टाइट का आपको, कि ये एक मोमेंट आता है पानी के अंदर, वो एक आधे घंटे का ऐसा हम लोग समा बोलते हैं उसको, तो वैसा समय आता है कि मच्छियाँ धनाधन खाना चालू करती हैं। उसके पहले मच्छियाँ कभी ज़रा सा ही मुंह नहीं मारती। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ, देखो स्नैपर बिल्कुल किनारे पे आ चुका है। सर ये ज़रा ज़रा सर 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 एक काम करो ना, ज़रा प्लीज़ पानी में दिखाओ ना, पानी में दिखाओ सर, हाँ सर कैमरा पानी में दिखाओ, हाँ यहाँ पर वो देखिए सामने, लाइट चालू करो, लाइट हाँ ये देखो, यस ये है स्नैपर, रेड स्नैपर लग गया है हम लोगों को आज, मज़ा आ गया भाई, इसको तो पूरा फ्राई करके खाऊंगा मैं। लाइन 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 पकड़ लाइन पकड़ लाइन, हाँ हाँ ये लाइन ले ले, हाँ वेरी गुड शाबाश, क्या बात है। तो ये हुई मज़ा, ये मज़ा आ गया भाई आज तो, आज सुबह से हम लोग परेशान थे, बिल्कुल भी मच्छी नहीं लगी, छोटी सी मच्छी भी नहीं लगी थी आज हम लोगों, लेकिन बोलते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो देखिए कितना मीठा फल मिला है मुझे। एनीवेज तो मज़ा आ गया, और सुबह से कुछ भी नहीं लगा था सच में, तो अभी चलो खाने के लिए कुछ तो मिला और मज़ा आ गया भाई। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, 3 लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं।